ढूंढो रे मौका ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का। आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार हैं आप राहें मिलेंगी तुमको हर दम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के आजा मचल के आजा तू कर ले आ कर ले तू आगाज हुनरबाज हुनरबाज हम है हुनरबाज आजा हुनर दिखा दे आज हुनरबाज हुनरबाज हम है हुनरबाज आजा सब में किसी न किसी बात का डर होता है किसी को तो ऊंचाई का डर होता है तो किसी को पानी में डूबने का आपको किस चीज का सबसे बड़ा डर है मुझे जी हाँ हर किसी माँ के जैसे मेरा भी ध्यान हमेशा बच्चों की तरफ जाता है तो मेरा डर यही है कि उन्हें कभी कोई चोट ना लग जाए और आपका सिद्धार्थ जी क्या बताऊं मैं आपको रेणुका जी आप तो जानती हैं कि कुछ साल पहले मेरे घर में मेरी बिल्डिंग जी आग लगी थी मैं 16 फ्लोर पे रहता हूँ और ये आग जो है 8 फ्लोर से स्टार्ट हुई तो किसी तरह से अपने परिवार को मैं संभाल के जल्दी जल्दी से नीचे पहुंच गया बिल्कुल रात को ये आग लगी थी तो मुझे ऐसे ध्यान आया कि मेरे पास कुछ नहीं है बैंक के पेपर्स प्रॉपर्टी के पेपर्स गाड़ी की चाबियां सब ऊपर हैं तो ये आग में खत्म हो जाएंगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे तो मैं वापस चला गया एक फायरमैन वहाँ पे मुझे मिला छोटा सा था तो उसने कहा सर आप ऊपर मत जाइए बट मैं तो चलने पे बिल्कुल मुझे तुले हुए था तो उसने देखा कि ये अट्टा खट्टा 6 फुट का आदमी है तो वो उसको मुझे तो रोक नहीं पाएगा वो आपको मालूम है क्या किया वो मेरे पांव पड़ा और मेरी टांगों को पकड़ के हाथ जोड़ के उसने मुझे कहा कि प्लीज आप ऊपर मत जाइए ऊपर जाएंगे तो आप कभी वापस नहीं लौटेंगे और बाद में मुझे बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो सकता था धुआं जो है पहले आपको सफोकेट कर देता है आग तो आपको जला ही देगा लेकिन उससे पहले धुआं आपको खत्म कर देगा तो ये बड़े खौफनाक मोमेंट था और ये चीज जो है बहुत सीखने वाली चीज बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ भी एक आग का हादसा हुआ है पता है आपको really? हाँ मैं एक बार अंताक्षरी सीरियल की शूटिंग कर रही थी और सेट पे दिवाली का मतलब एपिसोड था जी जी और हर जगह छोटे छोटे दिए लगाए हुए थे बिल्कुल बिल्कुल और मैंने बहुत खूबसूरत एक जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई क्या थी बात है इसलिए मेरी जो असिस्टेंट थी बार बार मेरे पास आके कह रही थी कि आप ध्यान रखिए नहीं तो आग लग सकती है जॉर्जेट थोड़ा फैलता है बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वो मुझे सेव करते करते उसकी खुद की साड़ी को आग लग गई हमारे दूसरे असिस्टेंट थे जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और उन्होंने पूरी साड़ी निकाल दी वरना वो पूरी की पूरी हमारे सामने जल जाती ओह माय गॉड वाकई असली हीरोज वही हैं जो सही वक्त पे ठंडे दिमाग से सही काम करते हैं हाय मैं हूं प्रिंसी और मैं हूं सनी वेलकम टू हुनरबाज स्किल टू विन पर मुझे तो पक्का पता है कि इस एक महीने के ब्रेक में आपने चाहे सनी को मिस किया हो या नहीं किया हो पर मुझे तो जरूर मिस किया होगा है ना प्रिंसी ये पीजेस तुम बचपन से मारती आ रही हो या फिर अभी कोई नया क्रैश कोर्स किया है तुमने वेरी फनी हाँ वैसे इस एक महीने के ब्रेक में हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिन्हें देख कर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे बिल्कुल तो आज के एपिसोड में हम जिस करियर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे वो है फायर फाइटिंग उससे संबंधित अलग अलग पहलू चेकमेट नामक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां तैयार किए जाते हैं फायर फाइटिंग के बेहतरीन हुनरबाज भला फायर फाइटिंग जैसे गंभीर विषय में कैसे होगा कॉम्पिटिशन और अंत में बूझो तो जाने जहां होंगे हमारे सवाल आपके जवाब पहले मुझे ये बताओ प्रिंसी कि वैसे तो किचन में तुम जाती नहीं होगी पर जस्ट इमेजिन मतलब ऐसे ही सोचो कि कभी किचन में जाके कुछ बनाने की जरूरत पड़ जाए तो किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा फायर सेफ्टी सनी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मतलब आज सुबह मैंने तुम्हें जो आलू के पराठे बना के खिलाए वो अभी तक डाइजेस्ट भी नहीं हुए होंगे और तुम भूल भी गए मतलब उन पराठों को हजम करने के लिए भी एक
हुनर की जरूरत पड़ेगी। क्या? नहीं प्रिंसी, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बट सीरियसली प्रिंसी के बनाए हुए पराठे, मतलब ये तो अलग हुनर है प्रिंसी का कि इतने अच्छे पराठे बना लेती है। यस, और वो भी फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए। तो प्रिंसी, खुदा ना खास्ता किसी के साथ अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता तो शुक्र है कोई तो है हमारी हिफाजत करने के लिए। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार फायर ब्रिगेड। हाँ बोलिए सर। का साकीनाका जंक्शन कंट्रोल टू मरोड़ वर्दी गया, आग लगली। अंधेरी टू कंट्रोल, आग लगली, रास्ता एसी रोड साकीनाका। आग जब बेकाबू होती है तो कुछ नहीं देखती, किसी की नहीं सुनती, वो सिर्फ राख करना जानती है, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आ जाए। और अगर ये हादसा कभी आपके साथ हो तो दिवाली की शाम थी। जनरली दिवाली के दिन हम सभी दिए के साथ और पटाखों के साथ काफी खुशियां मनाते हैं। घर के अंदर दिवाली की पूजा करने के बाद हम सभी खाने की तैयारी में थे कि अचानक बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें चालू हो गई। जैसे ही हम बाहर पहुंचे दौड़ के तो देखा कि हमारी घर की छत के ऊपर आग लगी हुई थी। ये जो छत पर लगी हुई आग आप देख रहे हैं, ये मेरे ही घर की छत पर लगी हुई आग है। काफ़ी इंतजार के बाद फायर ब्रिगेड आई, तो जैसे ही फायर ब्रिगेड आई तो उसे देख के लगा कि हाँ चलो भाई, राहत की सांस मिली कि भाई चलो ठीक है। और उन फायर ब्रिगेड के हुनरबाजों ने उस आग पर काबू पाया और हमें एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचा लिया। इस तरह आग की लपटों को मात देकर आपको बचाने वालों को आप क्या कहेंगे? मसीहा, हीरो, फाइटर या फायर फाइटर? जाबाजी का भरपूर प्रदर्शन करते हुए आग से लड़ने वालों को तो हीरो कहना चाहिए। ऐसे हीरोज को ट्रेनिंग देने वाली, इन्हें तैयार करने वाली एक संस्था है चेकमेट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कुछ दूर गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थित चेकमेट एक बिल्कुल अलायदा इंस्टीट्यूट है। मैं आपको ये बात गर्व से कहना चाहता हूँ, ये हमारे देश की बात है कि इसमें ये फैसिलिटी जो है सिर्फ एशिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, एशिया में पहली फैसिलिटी है। इनकी तारीफ इसमें नहीं है कि इनका टाई अप अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा की फायर साइंस एकेडमी से है, जो विश्व में सबसे उम्दा इंस्टीट्यूट में से एक है, बल्कि उस वर्ल्ड क्लास तकनीक को इंडियन कंडीशंस में ढालना और उनका भरपूर फायदा उठाना इसमें है। चेकमेट एक ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है जहां एक साधारण व्यक्ति सिर्फ अपना जुनून लेकर आता है और कड़ी मशक्कत के बाद हीरो बनकर बाहर निकलता है। आग और उसकी प्रचंड लपटों से जूझने का कारण चाहे जो भी हो, जैसे ऑयल और गैस स्पिलेज, इलेक्ट्रिक फेलियर, शॉर्ट सर्किट, प्राकृतिक कारणों से दिवाली के पटाखे या फिर टेररिस्ट अटैक। जब ये इंसिडेंट हुआ तो हमको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। 6th फ्लोर पे फायर बुझाने का, अंगार बुझाने का भी काम चालू था, प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी काम चालू था। तभी जो ताज के जीएम कांग करके उनका नाम था, तो वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि मेरा वाइफ और दो बच्चे 6th फ्लोर पे स्टक है, एक रूम में है, तो उनका कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो हम लोग बाद में ये ब्रॉन्टो लेके उसको केज ऑपरेशन करके मैं पर्सनली वो 6th फ्लोर पे गया। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ वहाँ अंदर टेररिस्ट है, क्रॉस फायरिंग होगा, हम लोग लाइक कुछ भी, हमें कुछ भी हो सकता है। पूरा रूम को छानने किया, लेकिन उसका वाइफ और उसका दोनों बच्चे कहाँ पे भी मिले नहीं। हम लोगों को एक जो लोगों को बचा सके तो हमको एक
अच्छा फीलिंग आता है उनके बारे में, और जिसको बचा नहीं पाए तो लाइक दैट डे वॉज लाइक ना काला दिन था बॉम्बे के लिए। हमें कुछ और मासूम बच्चे और जिंदगियां न गंवानी पड़े, इसके लिए जरूरत है ऐसे ही कुछ और जांबाज हुनरबाजों की, जिसके लिए जरूरत होती है कड़ी ट्रेनिंग की। और ऐसी ही ट्रेनिंग देकर फायर फाइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण पहलू सिखाए जाते हैं चेकमेट में, जैसे आग की फैलती लपटों को बुझाना, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आग की चपेट में आए हुए लोगों को बचाकर सेफ जगह तक पहुंचाना। यही नहीं, आग या धुएं से प्रभावित लोगों को समय रहते फर्स्ट एड प्रदान करना। इसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मदद करना। ह्यूमन और एनिमल रेस्क्यू में भी फायर फाइटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। फलवाड़ी में एक बिल्डिंग गिर गया पांच माले का। पांच माले का बिल्डिंग गिर गया तो जो ऊपर देखते थे लोग, उसको अग्निशमन दल के अपने जो फायरमैन लोग हैं, अफसर लोग हैं, उन्होंने निकलना शुरू किया। मैं भी था उधर। ये करते करते एक और बात सोचनी चाहिए कि ये तो ऊपर तुमको दिखते हैं, उनको निकाल रहे हैं आप, लेकिन अगर अंदर जो फंसा हुआ है वो अभी भी जिंदा हो सकता है, तो उसको निकालने का कोशिश देखिए कैसा निकालना है। अंदर जाके वो गर्ज कैसा भी करके, तकदीर हमारी कुछ गिरा नहीं ऊपर से। उसी वक्त तीसरे माले पे ऊपर का सब डेबरी गिरा था, और वहाँ से एक बिल्ली हल्लो हल्लो आवाज़ करती, और उसके साथ साथ एक छोटी लड़की की आवाज़ आ रही थी। उसको निकालने में 30 आवर्स लगे। और निकाली तो वो टेबल, बड़ा टेबल था, उसके नीचे वो लड़की ऐसी बैठी थी, और बाद में एक बिल्ली की छोटी किटन। अब बोला हम तो हम वो कहा नहीं जाता, लेकिन जब उसको निकाल के माँ के हाथ में दिया, ये हमारे लाइफ का, हर एक फायरमैन का लाइफ का बहुत ये कि हम कुछ कर सके इनके लिए। ये दुनिया में आके हमने ऐसी सर्विस ली जिससे सेटिस्फेक्शन मिला, और ये जो जाबाज लोग बोलता हूँ मैं, रियली जाबाज लोग हैं फायरमैन। चेकमेट में फायर फाइटर के इन हुनरबाजों को फायर फाइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनों को भी सिखाया जाता है। फायरमैन और सब फायर ऑफिसर, उनको क्योंकि दूसरों की गलतियों का निवारण करना है, फायर अगर प्रोसेस प्लांट में हुई है तो उसको बुझाने जाना है, और उसके अंदर उनके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, उनकी दुर्घटनाएँ भी हो सकती हैं, उसके लिए सुरक्षा की ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें हम पढ़ाते हैं वेरी फंडामेंटल लेक्चर ऑन द एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निक, जो उनको अलाउ करता है कि वो साइकोलॉजी पहले एक्सेप्ट करें इस सब्जेक्ट को, सिंस दिस इज ए सब्जेक्ट इनवेरियली नोबडी लाइक्स टू एक्सेप्ट इट इन ए वेरी कॉमन वे। इसके अलावा चेकमेट में फायर फाइटिंग के हुनरबाजों को अलग अलग तरह की आग को पहचानने और उसे बुझाने के तरीके भी सिखाए जाते हैं, जैसे क्लास ए फायर। अरे वो ऊपर उठा, उसको ऊपर उठा। जिसमें आग अगर लकड़ी, कागज या फिर कपड़े को लगी हो, जायज है कि पानी के इस्तेमाल से वो बुझ जाएगी। क्लास बी फायर, अगर आग तेल, केरोसिन या फिर पेट्रोल से लगी हो, तो इस तरह की फायर को बुझाया जाता है फोम वाले DCP फायर एक्सटिंग्विशर से। इनमें से सबसे खतरनाक है ऑयल या गैस से लगी हुई आग, जिसमें आग की लपटें 50 से 60 फीट तक जाती हैं। इसीलिए चेकमेट में इन्हें इसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जहां हर रोज सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 2000 से 5000 लीटर पेट्रोल जलाया जाता है, और इसे बुझाने में करीबन 10000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है।
एक साधारण से लगने वाले पानी की होस्ट का प्रेशर इतना तेज होता है कि जरा सी चूक फायर फाइटर के साथ साथ आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए पाइप्स को सही तरीके से अटैच करना भी एक स्किल है जिसे सिखाना बहुत जरूरी है। पर इस तरह की ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है जिससे रियल सिचुएशंस में किसी भी फायर फाइटर को अपने कदम पीछे न हटाने पड़े। आग से भी ज्यादा खतरनाक आग का धुआं होता है क्योंकि धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन से मार सकती है। एक स्थिति से निपटने के लिए चेकमेट में SBA यानी सेल्फ ब्रीडिंग एपरेटस का उपयोग सिखाया जाता है। इसके साथ ही तंग जगह से निकलने, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने जैसी कड़ी ट्रेनिंग देकर फायर ब्रिगेड के हुनरबाजों को तैयार किया जाता है। ये पूरा स्किलफुल जॉब है, ये कोई एक आधा सीखा सिखाया आदमी नहीं कर सकता। जो फुल्ली ट्रेंड है पर्टिकुलर फायर फाइटिंग चीज के लिए तो वही कर सकता है, कोई अनट्रेन आदमी इसको नहीं कर सकता। अफसोस की बात है कि 1.2 बिलियन की आबादी वाले हमारे देश में जहां हर 500 लोगों के लिए एक फायर फाइटर होना चाहिए, वहां हालात ये है कि ऐसे जांबाजी वाले पेड प्रोफेशनल के मैन पावर काफी कम है। यदि आप में है हुनर जांबाजी, लोगों की सेवा करने की इच्छा और कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो आइए पहनिए फायर फाइटर जैसे नोबल प्रोफेशन का तमगा। हमारे यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी होते हैं। इसके अलावा 10 प्लस 12 प्लस के लिए हमारे पास दो कोर्सेज है, एक सर्टिफिकेट इन फायरमैनशिप कोर्स है और दूसरा जो है हमारा सब फायर ऑफिसर कोर्स। और उसमें हमने फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखा है, मिनिमम हाइट 165 और वेट 50 kg। फायर फाइटर का स्कोप सिर्फ फायर ब्रिगेड स्टेशन तक ही सीमित नहीं है। आप चाहें तो फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसे विभिन्न क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। तो बताइए क्या है आप में हिम्मत, ताकत, जज्बा अपने व्यक्तित्व को फायर फाइटर्स के बेहतरीन करियर से गौरवपूर्ण करने का? सुनना चाहेंगे एक फायर फाइटर की कहानी, उसकी सुबानी। इस जॉब में जब से आया हूँ मैं, मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आ गए। जो मेरी लाइफ पहले थी उससे बेहतर अच्छी हो गई और बहुत मान सम्मान मिला। आज मेरे पिताजी 2008 में देहांत हो गए थे, अभी पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पर थी जो मैं पूरी नहीं कर सकता था अगर ये इस फील्ड में नहीं आता। तो हमारे से ट्रेनिंग लिया है जो लड़के, वो भी आज हमसे अच्छी सैलरी और अच्छा सा घर चला रहे हैं। लोग ज़्यादा पढ़ने के बाद भी इतनी सैलरी नहीं ले रहे जो इस फील्ड में आने से सैलरी मिलती है। मुझे गर्व है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ और फायर फाइटिंग ही मेरा हुनर है। पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये फील्ड में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज है विद गुड पैकेजेस, और एक अलग ही काम है जिसमें हम कुछ लोगों के लिए कुछ जान बचा सकते हैं। एज वी आर, हम लोग डॉक्टर के हिसाब के बराबर है। जिस तरह डॉक्टर्स जिंदगी बचाते हैं उसी तरह फायर फाइटर्स भी, मगर डॉक्टर्स अपनी जिंदगी से नहीं खेलते, ये जिम्मा तो बस फायर फाइटर्स के हिस्से में आता है। ठीक कुछ उसी प्रकार जैसे कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के जवान। आज ये फील्ड सिर्फ लड़कों को ही करियर के नए ऑप्शंस नहीं दे रहा, बल्कि उन लड़कियों को भी कुछ ऐसा चुनने का मौका दे रहा है जिसमें हौसले की जरूरत है। मेरा नाम श्वेता मरी रविंद्र जाधव, मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। जो लड़कियाँ हैं कि जिन्हें कुछ अलग करना है जिंदगी में, खुद को प्रूव करना है, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ। मैं फायर ब्रिगेड में एज अ फायर वूमन का जॉब करती हूँ। मैं जब ट्रेनिंग में थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी हो गई है। हम दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं तो वो मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे घर वाले, मेरे साथ ससुर भी मुझको बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए आज मैं शादी होने के बाद भी फायर ब्रिगेड में 15 दिनों के बाद ज्वाइन हो गई। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले है दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी।
हमने IFS DMS इंस्टीट्यूट के इन हुनरबाजों की फायर फाइटिंग स्किल्स को तो जाना, अब करते हैं कॉम्पिटिशन लैडर ड्रिल। सर वेलकम। इस कॉम्पिटिशन का जो ये टास्क है लैडर ड्रिल, ये क्या है? ये टास्क में हमने दो टीम में डिवाइड किया हुआ है। हर एक टीम में 4 फायरमैन होंगे। वो फायरमैन लैडर को उठा के फर्स्ट फ्लोर में पिच करेंगे। ओके। वो BSAT पेन के नीचे आएंगे और लाइन के पीछे खड़ा रहेंगे। ओके। इसमें हम आपका सिर्फ टाइमिंग ही नहीं देखेंगे, प्रिसिशन जितने अच्छे से करेंगे उसका भी मार्क्स होगा और उसमें से एक टीम को विनर चुना जाएगा। आज का कंपटीशन यानी लैडर ड्रिल फायर फाइटिंग टेक्निक के सबसे अहम हिस्सों में एक है। पहली टीम है नीरज शर्मा की फायर फाइटिंग टीम, जिसमें नीरज शर्मा के अलावा रावत सिंह, युधिष्ठिर सिंह और प्रवीण दुबे हैं। दूसरी तरफ जला इंद्रजीत सिंह की जाबाज टीम में उनके अलावा दीपक गुज्जर, लवजीत सिंह और भागीरथ हैं। आप तैयार है दोनों टीम? लेट्स गो फॉर इट। टीम ए लड़े। नीरज शर्मा की टीम ये निकली। अरे वाह, कितनी कुशलता से उन्होंने सीढ़ी को उठाया और भाग रहे हैं उसे अटैच करने। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बेहद जरूरी है सीढ़ी को ठीक से अटैच करना। क्या टीम ए इस टास्क को बखूबी निभा पाएगी? देखते रहिए। वाह, किस फूर्ति से चढ़ रहे हैं टीम ए के मेंबर प्रवीण दुबे। ऐसा लगता है कि जैसे पलक झपकते ही प्रवीण दुबे ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर वापस अपनी टीम में पहुंच गए हैं। इनकी टीम भी काफी खुश नजर आ रही है। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। टीम ए ने इस टास्क को पूरा किया है 1:12 में और अब टीम बी के पास चुनौती है इनसे बेहतर करने की। और अब बारी जाला इंद्रजीत सिंह की टीम की। आपको अभी टीम ए को हराना है, पूरा जोश के साथ काम करना। ओके। और ये बजी विसल और लग गए हमारे फायर फाइटर अपने काम में। इनका मनोबल भी काफी आला दिख रहा है। बहुत ही कुशलता से सीढ़ी को उठाया, उसे अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की। 23 सेकंड में हुई ये लापरवाही। ये सीढ़ी कुछ ठीक नहीं लग रही। देखते हैं क्या होता है। उसी उत्साह, उसी जुनून के साथ टीम बी के भागीरथ ने जल्दी से क्लाइम किया और अब पहन रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। अब बढ़ रहे हैं नीचे आने की ओर। दोनों टीमों को मिल रहा है बराबर का प्रोत्साहन। दोस्तों ये था टीम ए और टीम बी का धुआंधार परफॉर्मेंस। तो मेंटेज से पूछते हैं कि इनको इन दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा लगा। मिस्टर शेट्टी आप बताइए। टीम ए उनका जो टाइमिंग है 1:12 और टीम बी का जो परफॉर्मेंस था टाइमिंग था 58 सेकंड्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिसीजन ऑफ टाइम टीम बी टीम ए से आगे है, बट वो एक सोल फैक्टर नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब मिस्टर शेट्टी से ये जानते हैं कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है। दोनों ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन टीम ए जो था उन्होंने सेफ्टी के दायरे से देखा जाएगा तो उनका जो लैडर पिचिंग बहुत स्मूथली हुआ। टीम बी जो है उन्होंने गिरते गिरते लैडर को संभाला और बाद में उन्होंने फिर से रखा। फायर सर्विस में अगर काम करना है आपको तो सेफ्टी, खुद का सेफ्टी देख के फिर आप दूसरे के सेफ्टी कर सकते हैं। जी, द विनिंग टीम इज टीम ए। तो दोस्तों हमें मिल चुकी है हमारी विनिंग टीम, टीम ए, जो कि हमारे इस रियलिटी शो हुनरबाज स्किल टू विन के नेक्स्ट राउंड में जाएगी। दोस्तों एक बार जोर से चेयर और तालियां हो जाए।
बातों बातों में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिस बात की वजह से आपकी बात बन जाती है। क्या तुम ठीक तो हो ना सनी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो क्या बोल रहे हो, ऐसी बात वैसी बात, कौन सी बात, किसकी बात और कैसी बात? हुनर की बात प्रिंसी, हुनर की बात। हमारा अगला सेगमेंट जिसमें चलते चलते और बात करते करते कुछ ऐसी बात निकल आती है जो आपके करियर को नया आयाम दे सकती है। जी हाँ, और आज हुनर की बात में हमारे साथ है चेकमेट के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम महूरकर। विक्रम जी, आपने हमारे देश में एक बेमिसाल सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है। आपने एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉय किया है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, हमारे देश में आपने एक नया आयाम दिया है। जी सर। ये इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये जो कंपनी थी ये 1985-86 में जी ये गुजरात में शुरू की थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, और ये कहते कहते 1994-95 में जी आई थिंक चेकमेट वॉज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन का एम्प्लॉयर होते हुए हमारे पास उस समय करीब 10,000 एक्स सर्विसमैन थे। अच्छा जी। सबसे बहुत स्पेक्टेकुलर देखने के लिए और काम मतलब इम्पोर्टेंस जो होती है वो आपकी फायर फाइटिंग के सिलसिले में होता है जी। हाँ ऑफकोर्स, फायर फाइटिंग तो है हमारे पास, यानी कि फायर फाइटर्स हैं, गवर्नमेंट की फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं जी। आपकी फायर फाइटिंग में क्या फ़र्क है, आपकी क्या ट्रेनिंग है और किस तरह के मुश्किलों को आप सामना करते हैं फायर फाइटिंग के? हमने एक रिफाइनरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे ये कई जगह टैंक फायर्स हुए हैं इंडिया में इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जहाँ बहुत माल के अलावा जान का बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक तो हम अब जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसमें ट्रेनिंग के लिए वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक लेवल अटेन कर चुके हो जी रिफाइनरीज में। सो जनरली ऑल द बिग ऑयल पीएसयूज कम एंड ट्रेन इन दिस। फायर फाइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि पानी का होज उस पे लगा दिया, नहीं नहीं, कुछ बारीकियत होगी जरूर। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा बारीकियत है। बताइए, एक सेकंड बताइए कि जैसे 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 आप अगर जो आपने फायर होज के बारे में बताया तो इसमें बारीकियत मतलब बहुत ज्यादा बारीकियत है, बिकॉज जो इसमें प्रेशर होता है इट इज अप टू 7.5 to 8.5 केजीज व्हेन यू आर एक्चुअली फाइटिंग अ रिफाइनरी फायर जी। उस समय ना कि आपकी ट्रेनिंग के अलावा आपके बाजू में भी दम होना चाहिए उसको पकड़ने का, बिकॉज अगर जो आप उसको सही पोस्चर से सही ट्रेनिंग के साथ आपने नहीं पकड़ा है उसको, सो इट कैन इवन गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड किल यू, बिकॉज दैट होज कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन हिट यू ऑन योर जॉ एंड सम देयर हैव बीन वेरी सीरियस इंसिडेंट्स। अच्छा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट काक साहब जो आपने बताया विच नाउ कम्स आउट इज दैट इन इंडिया देर इज नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देर आर लॉट ऑफ क्लासरूम लेक्चर्स टेकिंग प्लेस इन एयर कंडीशन रूम्स जी, वेर दे से यू नो दिस इज द इक्विपमेंट, दिस इज हाउ इट इज यूज एंड दिस इज वॉट यू डू इन केस ऑफ अ फायर, बट इफ यू आस्क एनीबडी दैट सर द इक्विपमेंट दैट होज दैट यू आर शोइंग यू इन एयर कंडीशन रूम, Has he ever used that? Or has he ever trained it on a live fire? No. That is why I go back. We are talking of real fuel, live fire. आज आप देखें जो जितने भी hospitals वगैरह में जो accidents हुए हैं, ये इसमें लोग आग से नहीं मरे हैं सर, इसमें लोग स्मोक इनहेल करके मरे हैं, suffocation से मरे हैं। तो हम वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी गार्ड हु आर पोस्टेड इन हॉस्पिटल्स, इन होटल्स etc. in all these places. Achha. In place of a terrorist attack, aap dekhein. So there is a lot of fire and there is a lot of smoke. Jee. So to make it a safe environment, these are the people who can play a very major role in evacuation. Achha. Mere hisab se jo sabse important ek opportunity hai, wo main ye kehna chahunga ki hamare yahan is institute mein फायरमैन और सब फायर ऑफिसर का भी कोर्स चलाते हैं। अच्छा। और ये 6 महीने का और 8 महीने का कोर्स होता है हमारे यहाँ। दी जॉब अपॉर्चुनिटीज आर आई विल से देयर इज अ वैकेंसी लेवल ऑफ 95% इन द फायर फील्ड। यानी कि उसने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया तो उसको नौकरी मिल गई। बिल्कुल सर, आप ये देखेंगे कि उसको चॉइस मिलेगा उसमें भी। अच्छा। ही विल गेट अ चॉइस ऑफ ज्योग्राफी कि मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ करना चाहता हूँ। और इसमें सर एक और जो इशू आजकल ये आ रहा है कि हमारे यहाँ से जो लड़के जितने हम पिछले 8 साल से ये कोर्स करवा रहे हैं, जितने भी लड़के पास आउट होके जा रहे हैं, ये जनरली 1-2 साल से ज़्यादा इंडिया में नहीं टिकते और ये सारे अब्रॉड चले जाते हैं। अच्छा। बिकॉज दी सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेट्रा आर हायर अब्रॉड।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, आप इन सब बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि टुडे आज अब्रॉड कहीं भी जाएं, अ फायरमैन इफ यू आर स्टेइंग नेक्स्ट टू अ फायरमैन्स हाउस, पीपल से दैट यू आर स्टेइंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, अ पर्सन हु डज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन बिकॉज ही हैज सेव्ड सो मेनी लाइव्स, ही इज अ हीरो अब्रॉड. तो वो जो आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे गार्डिंग के अंदर वगैरह में जी, वो फायरमैन के लिए उससे कहीं बहुत आगे जाना है. तो एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बट एक रिस्पेक्ट है, और एक कैरियर प्रोग्रेशन के हिसाब से अ फायरमैन दो बीइंग अ 10th क्लास पास हैज गॉट मच मोर टू नॉट ओनली लर्न बट प्रोग्रेस इन लाइफ. हमारे देश में जो है वॉचमैन माना जाता है कि ऑल पर्पस, वो आपका सामान भी लाता है, वो देखभाल भी करता है, उसकी खास इज्जत नहीं है. तो आपकी कंपनी से ये इज्जत आपको लगा कि कुछ बड़ी है देश में, सिक्योरिटी एजेंसी की कोई इज्जत है खास तौर से? बिल्कुल सर, मैं इसमें एक वर्ड है चौकीदार जी, और हम जब उस समय कंपनीज में जाते थे हम बोलते थे कि आप गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को आप चौकीदार की तरह मत देखिए. सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है और चौकीदार अलग होता है, जो आपका बैग उठाएगा, पानी पिलाएगा. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम माय सिक्योरिटी गार्ड एटलीस्ट जी, जी. बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव हिम रिस्पेक्ट. अगर किसी को जो गांव देहात में रह रहा है जी, वो आपके चेकमेट में या कुछ ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके सामने क्या उपाय है? एज ग्रुप उसका जो है, ही शुड हैव क्रॉस 19. अच्छा. एंड अपार्ट फ्रॉम द हिली ट्राइब्स देयर इज अ हाइट क्राइटेरिया. He should be 10th pass. He should be of that age group. And the selection process is very simple. If you are able to read a newspaper, I think he is good enough to be a security guard. वो selection process तक आए कैसे? हर एक गांव में हमारा जो advertisement है वो पहुंचता है. जिला सैनिक बोर्ड जो है, जो 90% rural areas में है, उनके through भी, उनके ex-servicemen wards के through भी उनके घरों में पहुंचता है. अच्छा. कोई भी लड़का अगर जो वो 10th class pass है और above the age of 19 है, तो वो खुशी से हमारे यहाँ आ सकता है. और थोड़ा भी उसको डाउट है कि उसको वो क्वालिफाई नहीं करेगा, तो उसको हम थ्रू आवर ट्रेनिंग एंड थ्रू आवर पर्सुएशन एंड द काइंड ऑफ फैकल्टीज वी हैव, वी विल बी एबल टू गेट हिम टू दैट लेवल वेयर ही कैन मेक अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर. शुरुआत में ही आपको कितनी आमदनी तनख्वाह आप उम्मीद कर सकते हैं? आई थिंक एनी वेयर बिटवीन 8,000 to 10,000 रुपीज एक सिक्योरिटी गार्ड जो है जी, वो 26 दिन का वो कमा सकता है. और ये एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन है. पिछले हफ्ते का सवाल था, वो कौन सा आविष्कार है जो गांव की महिलाओं को आधुनिक उपकरण के अभाव में मदद करता है? आप सोच रहे होंगे ना कि ये चीज क्या है? अजी सोचिए मत, जानिए. पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी और न चिपकने वाली सामग्री से बना तवा. आइए जानते हैं चिकनी मिट्टी से बने तवे के बारे में. नॉन स्टिक का नाम सुनते ही शहरों की शानदार दुकानों में बिकते नामदार कंपनियों की नॉन स्टिक बर्तनों की शक्ल सामने आ जाती है, लेकिन हमारे देश के गांव के लोग भी किसी चीज में कम नहीं है. जी हाँ, गुजरात में छोटा उदयपुर नामक स्थान में धनुका, नायक और भील समुदाय से और मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में मिट्टी के बर्तनों को लाख की परत चढ़ाकर उन्हें नॉनस्टिक की सूरत दी जाती है. इन बर्तनों को नॉनस्टिक बनाने के लिए विशेष प्रकार के लाख का उपयोग किया जाता है, जो कि पोही नाम के पेड़ पर रहने वाले कीड़े के लार्वा से बनती है. लाख की परत होने से इन बर्तनों में खाना पकाते वक्त खाना चिपकता नहीं है और तेल की खपत भी काफी कम हो जाती है और खाना ज्यादा देर तक गर्म बना रहता है. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, जिसके संचालक हैं डॉक्टर रघुनाथ अनंत मसेलकर और प्रोफेसर अनिल गुप्ता, ने वनकानेर राजकोट गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को नॉनस्टिक तवा के आविष्कार के लिए पुरस्कृत भी किया है. साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के धानुका, नायक और भील समुदाय के लोगों ने भी इस तरह की मिट्टी के नॉनस्टिक बर्तन बनाए हैं. एक सर्वे के मुताबिक अब तक लगभग 72,000 से भी अधिक मिट्टी के नॉनस्टिक बर्तन बेचे जा चुके हैं, और यदि आप इन बर्तनों से अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ग्रास रूट इनोवेटर्स को बढ़ावा देने वाली ज्ञान संस्था से gyan@gyan.org पर ईमेल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं. कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैदराबाद के मिर्जा अथर हुसैन, जिन्होंने हमें ये ईमेल भी भेजा है. नमस्कार सिद्धार्थ जी, ये एक यूनिक शो है, एकदम अलग. मैं और मेरा परिवार हर रविवार हुनरबाज देखते हैं.
वहीं मुकेश सैनी जी लिखते हैं कि वो 10th क्लास में पढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के द्वारा उन्हें अपना करियर ढूंढने में मदद मिली है। और गोवा की दीक्षिता लिखती हैं कि वो फार्मेसी की स्टूडेंट हैं और वो मेडिकल से रिलेटेड एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। दादी, आई एम श्योर कि कई लोगों ने सही जवाब भेजा होगा पर उन्हें इनाम नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो शायद उनके लिए आपको एक अच्छा सा सवाल पूछ लेना चाहिए। करिए। तो पूछ ही लेती हूँ। जी हाँ। ये कोई ऑर्डिनरी सवाल नहीं है बल्कि सवाल इस तस्वीर में छिपा है। आपको ये बताना है कि तस्वीर में दिखाई गई इस किचन में कौन कौन से सेफ्टी हैजर्ड्स हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चूल्हे के पास रखा तेल का डब्बा, ऑप्शन बी तला हुआ पापड़ और ऑप्शन सी चूल्हे पर रखा खाली बर्तन। अगर आपने हमारा आज का एपिसोड ध्यान से देखा है तो इसका जवाब आप चुटकी बजाते ही दे देंगे। रेनुका जी, आज आपने बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया। अच्छा? हाँ? तो आप जवाब बता दीजिए। बता दूं? हाँ? चलिए मैं आपको एक जबरदस्त हिंट देता हूँ। आग तो खतरेमंद है ही, पर आग में आसानी से जलने वाले पदार्थ भी उतने ही खतरेमंद साबित हो सकते हैं। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB space 04 space ABC space अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो जल्दी से हमें जवाब भेजिए और अगर आप फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी या ऐसे ही कई सारे नोबल प्रोफेशंस के साथ जुड़ जाना चाहते हो तो उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बस एक मिस्ड कॉल के जरिए। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 0880055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। तो क्या कहते हो दोस्तों, फायर फाइटिंग जैसे पावर पैक प्रोफेशन के बारे में सोचते ही अगर आप एक्साइटेड फील करते हैं, रोमांचक फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं और अगर आप एक चुनौतीपूर्ण करियर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो करिए अपने हौसलों को बुलंद और अपनाइए फायर फाइटिंग को। और आपके करियर को एक नया घुमाव, एक नया मोड़, एक नया रास्ता दिखाने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार ठीक सुबह 11 बजे ऑन DD नेशनल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए और खुश रहिए। टाटा बाय बाय। हमारे देश के मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है, शायद इसलिए भारत विश्व के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से है। मेरा नाम शुभम है, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। मेरा नाम गणेश हेगड़े, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। अगर आप देख रहे हैं अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो जरूर देखिए हमारा अगले हफ्ते का एपिसोड। मेरे पापा का काम कभी होता है नहीं होता है तो मम्मी अकेली करती है, तो मुझ पे ही सब डिपेंड है घर में का, तो मैं उनको थोड़ी अच्छे से हेल्प करूँ, उनके लिए खुद का घर लेके या फिर उनको अच्छा प्रॉपर जितना अच्छे से हो सकता है उनके लिए सब अच्छा करना चाहती हूँ। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिले हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी। Hunnarbaaz, skill to win, co-sponsored by Marco Glycerin.